नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बाजार दो तरफा चल रहा है, एक इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो एक इंडेक्स खराब चल रहा है। एक इंडेक्स जो खराब हो रहा है वो प्रॉपर एक सेक्टर की वजह से है, आईटी सेक्टर। अब यहां पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के ऊपर मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आज जो आपने इनिशियली डिप देख ली, इनिशियली गिरावट देख ली ना, वहां से रिकवरी आ रही है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो कल भी मैंने आप सभी के साथ कुछ लेवल शेयर करे थे कि कल बाजार गिरेगा, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। मेरे को लगता है बाजार में नए बंदे को भी ये पता चल गया था कि कल बाजार गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा, कहां से घूमेगा ये नहीं पता था। मैंने आप सभी के साथ लेवल शेयर करा था 17,750 से लेकर 700 का। आज का लो है 17,776 का। करंटली आप माफी चाहता हूं, पुरानी भावनाओं में बह गया। 19,750 से 700 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए बाजार को, वहां तक गिर सकता है बाजार आपका। एग्जैक्टली 19,776 का आज लो लगाता है और करंटली ट्रेड कर रहा है 19,853 पे, यानी कि नीचे से आप देखो तो लगभग 80 पॉइंट्स की रिकवरी भी आ चुकी है आपके लिए। अब सवाल ये उठता है कि यहां से तेजी या मंदी और बाजार में क्या करना चाहिए आपको। देखिए आईटी स्टॉक पे इससे अगली वीडियो आएगी और प्रॉपर आएगी, इन्फोसिस पे स्पेशल वीडियो होगी, पूरे आईटी सेक्टर पे भी आप सभी के साथ बात करूंगा क्योंकि इस समय काफी ज्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो दिन के दौरान आराम से 2 से 3 वीडियो आईटी स्टॉक्स पे आएंगी, एक स्पेशली पूरी इन्फोसिस पे लाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश कर रखा है इन्फोसिस में। और अगर आप टेंशन में हो तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए पैसा ज्यादा है तो होता है, मेरे कहने से ये नहीं होगा कि टेंशन नहीं लेंगे। पैसा आपका जा रहा है तो मैं तो बोल सकता हूं, केवल मैं आपको जो चीजें बताऊंगा आप सोचना विचार करना, और अगर आपको लगे हाँ भाई ठीक बोल रहा है बंदा तो फिर आप अपना व्यू रख के उसको होल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट पे। तो जैसा कि मैंने कहा बाजार आज दो तरफा चल रहा है, दो तरफा मीन्स बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है और निफ्टी वीकनेस में है। देखिए बैंक निफ्टी इसलिए स्ट्रेंथ में क्योंकि उसमें आईटी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, और मैंने आपसे कल ही बोल दिया था कि भैया आईटी अगर टूटेगा ना तो बाजार को गिरा देगा। अब अगर आज बाजार हरे निशान में आना चाहता है, वैसे तो लग नहीं रहा है लेकिन आना चाहता है, तो रिलायंस और बैंक को लीडरशिप लेनी होगी बड़ी वाली, क्योंकि आईटी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है ना तो वो केवल और केवल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि वेटेज के मामले में सेकंड कहीं ना कहीं टॉप गेनर है। और आईटी इंडेक्स 3% नीचे है, उसके सामने पीएसयू इंडेक्स तो 1% ऊपर दिख रहा है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। बट नॉर बड़ी बैंकों का उतना कुछ आज महत्व नहीं आ रहा है जितना छोटे बैंकों का आ रहा है, तो वो उतना लीडरशिप नहीं ले पाएंगे। अब यहां से क्या करें क्या ना करें इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी में लगभग 22 शेयर्स पॉजिटिव है और उसके सामने 28 शेयर्स नेगेटिव है। इन्फोसिस गिरावट को लीड कर रहा है, फिर टेक महिंद्रा में एक चीज नहीं बोलनी है कि आज 32 रुपए प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड भी आई थी। एंड उसके बाद कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एससीएल टेक, रिलायंस, ये कहीं ना कहीं गिरावट को लीड कर रहे हैं। जो तेजी को लीड कर रहे हैं उनमें एलएनटी है, ओएनजीसी है एंड ब्रिटानिया डीवीज लैब है। देखिए एलएनटी के बारे में कल ही मैंने आप सभी को लेट नाइट वीडियो में बता दिया था कि भैया ये 25 तारीख को बायबैक को लेकर विचार करने वाले हैं, ये कल रडार पे रखना है। और स्टॉक में तूफानी तेजी है, 3% की तेजी देखने को मिल रही है एलएनटी के स्टॉक में। अब आज के सेशन में बाजार में एक नई लिस्टिंग होनी थी और कल मैंने आप सभी को बोला था एग्जैक्टली 15 रुपए ऊपर लिस्ट हो सकता है शेयर 60% की प्रीमियम तेजी के साथ, और स्टॉक में एग्जैक्टली लिस्टिंग 15 रुपए ऊपर हुई 60% की तेजी के साथ। 40 रुपए की लिस्टिंग है, अभी 39.25 पे ट्रेड कर रहा है। लोगों का सवाल है कि भाई बुक कर ले प्रॉफिट या बने रहे, जिनको लॉटरी लगी है, जिनको शेयर अलॉट हुए हैं। तो देखिए यहां मेरे को लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, उसके पीछे दो बड़े कारण है। पहले तो आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स था, क्यूआईबी पोर्शन ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, उसके बाद एनआईए और रिटेल तो सबसे लोएस्ट था अगर इन तीनों में कंपेयर करोगे तो सब्सक्रिप्शन के मामले में। तो मुझे लगता है आज बैंकिंग बाजार का मूड माहौल खराब है इसलिए ये 60% है, अदरवाइज ये डबल होना चाहिए था। तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रख लें, और एसएल रख लें आप अपना 35-36 के करीब, और होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है 45 रुपए तक भी बनेगा। हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ये सुन के कोई फ्रेश एंट्री लेने मत चला जाना क्योंकि भैया फ्रेश एंट्री की राय नहीं है, जिनके पास है वो 35 रुपए का भी एसएल रखेंगे तो उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपकी जेब से तो चला जाएगा ना। तो जिन पे है बस उन्हीं के लिए राय थी ये, फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। मार्केट ब्रेथ खराब है तो हो सकता है आज आपकी थोड़ी सी पोर्टफोलियो डगमगा गई हो। मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स सब लाल निशान में, स्मॉल कैप हरे निशान में दिख रहा है। एनएससी की बात करूं 923 शेयर्स पॉजिटिव है, 957 शेयर्स नेगेटिव, यानी कि एक से एक शेयर बढ़ रहा है, तो उसके सामने एक से ज्यादा शेयर गिरते हुए दिख रहे हैं आपको। ये अभी का प्रॉपर एंड फुल अपडेट मेरे हिसाब से आपके लिए बाजार में आता हुआ दिख रहा है।
देखिए आज आपके लिए एक चीज अच्छी भी है, जो लोग कह रहे थे कि भाई बाजार भाग रहा है लेकिन स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं, पोर्टफोलियो में हरे निशान में नहीं आ रही है, पोर्टफोलियो नीचे जाती जा रही है, उनके लिए आज एक अच्छी चीज हो रही है कि भैया आपके लिए बाजार में गिरावट दिख रही है, स्टॉक्स कहीं ना कहीं मौके दे रहे हैं, तो वहां पर आप देखो। और स्टॉक ना वही गिर रहे हैं जो चल रहे हैं, और जो खराब है वो तो पूरे ही खराब है, तो आपको क्वालिटी चुननी है, क्वालिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टेक्निकल शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हो तो वो खरीद लो जो चल रहा है और चलते में आज गिर गया है। अगर फंडामेंटली लेना चाहते हो तो वो ले लो जो चला ही नहीं है, वहां पे आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। पूरे बाजार की तेजी में कुछ भी नहीं बनाया वहां पे पैसा, तो वो भी आपके लिए विकल्प है। अगली वीडियो में आपके साथ आईटी स्टॉक्स पे बात करूंगा, तो डेफिनेटली बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।